सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मॉनसून का ये सत्र जाना जाएगा हंगामा करने के बाद संसद के 27 सदस्यों के निलंबन के लिए और स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच तीखी नोकझोंक के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो कटघरे में हैं ही, लेकिन जब सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी नजर आईं, तो स्मृति ईरानी के तीखे शब्दों का निशाना बन गई। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। इस पर स्मृति ने पूरी कांग्रेस को ये कहकर घेर दिया कि पार्टी को ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक महिला जो आदिवासी है देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच गई। लेकिन उन्होंने अपने सबसे तीखे प्रहार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुना। स्मृति ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही राष्ट्रपति के अपमान की इजाजत दी थी, इसलिए उन्हें ही देश से माफी मांगनी चाहिए। बताया जा रहा है संसद में इस तनातनी के बीच स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी भड़कते हुए बोली, डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खुद इस घटना का खुलासा किया और सोनिया से माफी मांगने को कहा। लेकिन इस तनातनी के पीछे क्या है? अपनी बेटी का नाम उछाले जाने पर स्मृति का कांग्रेस से बदला, या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की सोनिया से 12 घंटे की पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए कानून को लेकर फैसला, या फिर कुछ और? बड़ी बहस में आज इसी को लेकर चर्चा। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, आइए जरा सुन लेते हैं लोकसभा में स्मृति ईरानी ने आखिर कहा क्या। आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी, सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी, सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु असेंड्स टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री। यू सैंक्शन द इंसल्ट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन ड्यू टू योर मेल कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर्स हैव कंटिन्यूड टू डिमीन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की।
तो लोकसभा में गरजती दिखाई दी स्मृति ईरानी। इधर एडजर्नमेंट के बाद सोनिया और स्मृति की तनातनी पर निर्मला सीतारमन का क्या खुलासा हुआ, वो भी सुन लेते हैं। आई डिमांड एन अपॉलजी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी हु हरसेल्फ बीइंग अ वुमन हैज अलाउड हर लीडर इन द लोकसभा टू स्पीक इंसल्टिंगली अबाउट आवर राष्ट्रपति। श्रीमती सोनिया गांधी शुड कम before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader. तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं तमाम। भास्कर गोश्ता बीजेपी पार्टी से हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर केबी त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। गौरव चाचरा साहब समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्वागत है आपका। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर मैं किसी व्यक्ति को चुनूं, हालांकि मैं चाहती तो थी कि स्पष्टीकरण मैं पहले कांग्रेस पार्टी से लूं, लेकिन आज जिस तरीके से स्मृति ईरानी लोकसभा में गरजती हुई दिखाई दी, हालांकि बीते कुछ समय से खास करके पिछले 4-5 दिनों से अगर मैं स्मृति ईरानी के गुस्से की वजह को समझने की कोशिश करूं, तो कांग्रेस जो पीछे एक वजह बताती है उसका प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। भास्कर गोश्त साहब, आप मुझे लगता है कि मेरे सवाल को समझ चुके होंगे। स्मृति ईरानी बीते 5-6 दिनों से लगातार कांग्रेस को न सिर्फ टारगेट करती दिखाई दे रही है, खास करके गांधी परिवार उनके निशाने पर हैं। कभी अमेठी का जिक्र करके वो राहुल गांधी को आड़े हाथों लेती हैं, कभी सोनिया गांधी को आड़े हाथों लेती हैं, और आज एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी के बड़े बोल को लेकर के सोनिया गांधी से कहना कि माफ़ी मांगे सोनिया गांधी। अधीर रंजन चौधरी क्यों ना माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी क्यों माफ़ी मांगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी को गुस्से में आके नहीं कह रहे हैं, गुस्सा तो हो रहा है, गुस्सा तो जायज है। इस देश का सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी महिला जो इस देश में कभी घटना घटी नहीं, उनके ऊपर जिस तरह का अनकंस्टिट्यूशनल लैंग्वेज, फिल्दी में मैं नहीं कहूंगा तो अनकंस्टिट्यूशनल तो पक्का कहूंगा, बिल्कुल जिस तरह से अनकंस्टिट्यूशनल लैंग्वेज उन्होंने यूज किया, वो कौन? अधीर रंजन चौधरी को नया एमपी नहीं है, वो बहुत बहुत सालों से इस सदन में एमपी बनकर रह रहे हैं। और मुझे दुख होता है ये भी कि जिस कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी जैसे एमपी थे, जिस कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी जैसे प्रेसिडेंट दिए, और जिस प्रणब मुखर्जी सबसे बहुत बार उनको ये मिला, बहुत बार उनको अवार्ड मिला अच्छे सांसद होने के नाते, वही पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व सोनिया गांधी के सामने ये घटना घट रही है और सोनिया गांधी महाभारत में पांडव की तरह चुप बैठे हुए हैं। और यही सबसे सब गुस्सा की बात है, और यही गुस्से जो स्मृति ईरानी जी बोलना चाहते थे कि भरी सभा में जब भरी सभा में द्रौपदी के अपमान हुए थे, तब पांडव कैसे मुंह छुपा के बैठे हुए थे। आज जब भरी सांसद में सर्वोच्च देश का सर्वोच्च पदाधिकारी को अपमान किया गया, तब इस देश का विरोधी पक्ष का जो सर्वोच्च नेता है वो बैठे हुए। मैं मान सकता हूँ कि इस क्यों बैठे हुए हैं ऐसा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में जो धक्का उन्हें लगा वो धक्का अभी वो सह नहीं पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक के बाद एक अपना ही परिवार का लोग फंसते जा रहे हैं, चाहे अमेठी में हो चाहे ये नेशनल हेराल्ड मामले में हो। और इसी बात का जिक्र आप देखिए, उन्होंने भी बहुत तीखी ढंग से, बहुत अवैध ढंग से बोला कि डोंट टॉक टू मी। एक सांसद, रोक रही हूँ मैं बीच में, कत्ल मैं करूँ और फांसी पर मेरे दोस्त को चढ़ा दिया जाए, क्या ये इंसाफ है? देखिए, तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी, जिसे आप खुद कह रहे हैं कि संसद में बहुत पुराने रहे हैं, उन्हें संसद की प्रक्रिया के बारे में बखूबी मालूम है, मैं उनकी गलती को ना तो किसी भी तरीके से जायज ठहरा रही हूं और ना ही उसे सही करार दे रही हूं। पहले तो बात है, लेकिन गलती करे अधीर रंजन चौधरी और माफी मांगने के लिए मैं तो वही साबित कर रहा हूं, सोनिया गांधी इसके लिए माफी मांगे, ये तो साबित मैं कर रहा हूं, सोनिया गांधी खेद व्यक्त कर सकती है, लेकिन क्या माफी मांगना सोनिया गांधी की जिम्मेदारी बनता है या फिर पहले अधीर रंजन चौधरी की जिम्मेदारी बनती थी? मैं तो ये बताइए ना, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी ये गलती नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं क्यों लूं, ये पाखंडी और नॉन पाखंडी की बात नहीं है। संसद के पटल पे अगर आपने कुछ गलत किया तो पहला माफी संसद के सांसद को मांगना चाहिए, स्पीकर के सामने उनको मांगना चाहिए, वो जाके प्रेसिडेंट के सामने नहीं मांगेंगे पहले, वो उन्होंने इनकार कर दिया। और यही सोनिया गांधी का पहला
पहला जो क्राइम है कि उन्होंने उनको नहीं मनवा पाया कि आप पहले संसद के सामने करिए, संसद के सामने कीजिए, उसके बाद आप बाहर जाके प्रेसिडेंट से मीटिंग कीजिए। पाखंडी किसको बोले वो? संसद में भाजपा के सांसद पाखंडी है या स्पीकर पाखंडी है? पाखंडी कौन है? इसके ऊपर सोनिया गांधी ने चुपचाप तो ऐसा पहली मर्तबा तो हुआ नहीं रहा। आप क्राइम करते हैं या क्राइम को समर्थन करते हैं? ऐसा पहली मर्तबा तो हुआ नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी की जुबान फिसल जाती है। इससे पहले भी हमने देखा था जब निर्मला सीतारमन को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि निर्मला सीतारमन का मेरा मन करता है नाम लेने का निर्मला सीतारमन, क्योंकि उनके मन में तो बहुत कुछ होता है, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर के और भारत के नक्शे को लेकर के भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी जिसको लेकर के हो हल्ला हुआ। तो ये तो सबको मालूम है कि अधीर रंजन चौधरी की जुबान अक्सर फिसल जाती है और इस तरह की त्रुटियां होती है, लेकिन सोनिया गांधी को पता नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था ना सर, संसद में बहुत सारे सांसदों को लेकर के एक्शन लिया गया। स्मृति जी तो इसी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा कि वो माफी मांगे, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अरे तो सर, और सोनिया गांधी बाकी सांसदों को बाहर किया गया था, बाकी सांसदों को बाहर किया गया है, कुछ को सत्र के लिए, कुछ को सप्ताह भर के लिए। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सीधे सोनिया गांधी से माफी मांगेंगे क्या? वो एक्शन तो माननीय स्पीकर साहब लेंगे, लेकिन संसद में सांसद होने के नाते चलिए मैं जरा कांग्रेस से आ रही हूँ सर, वापस आ रही हूँ मैं अभी आप लोगों के पास आ रही हूँ। जरा पहले केवी त्रिपाठी साहब का मैं रुख कर रहा हूँ। केवी त्रिपाठी साहब, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि स्मृति ईरानी इसलिए इतना गुस्सा हो रही है या फिर संसद में आज इतना गरजती हुई दिखाई दी क्योंकि उनके मन में अपनी बेटी वाले प्रकरण को लेकर के कांग्रेस के नेताओं से खासी नाराजगी है। उनकी बेटी का जो एक सिली सोल्स नाम का रेस्टोरेंट है उसको कांग्रेस ने तूल दिया हुआ है, लिहाजा कांग्रेस का आला कमान स्मृति ईरानी की बिल्कुल तीखी निगाहों पर है और इस वजह से कांग्रेस अब इस तरह की टिप्पणियां भी कर रही है। और सोनिया गांधी सीधे कह देती हैं, डोंट टॉक टू मी। भाई सांसद हैं, बात तो करेंगी ना। देखिए पूरा मसला उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी सदस्य की जुबान फिसली है और उसने कहा है कि मैं माफी मांगने जा रहा हूँ, राष्ट्रपति जी से मैं समय ले रहा हूँ। तो सर संसद में भी मांग लेते ना सर, पूरे देश से माफी मांगना चाहिए ना। संसद के ऊपर जो कार्यवाही सर, पूरे देश से माफी मांगने में क्या एतराज था? गलती की थी, बदजुबानी हुई, अगर जुबान फिसल गई तो माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती है। अधीर रंजन चौधरी ऐसी गलतियां तो अक्सर करते रहते हैं। आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। ये एक निजी सदस्य का मामला है, जिसकी जुबान फिसली है वो माफी मांगेगा और जहाँ माफी मांगने को कहा जाएगा या जहाँ वो नहीं मांगेगा उसके ऊपर आप कार्यवाही करिए। स्पीकर का दायित्व तो है, स्पीकर उसका निर्णय लेंगे, लेकिन इसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगे तो उसके पीछे यही काम है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी भी सांसद हैं, त्रिपाठी साहब सोनिया गांधी भी सांसद हैं, स्मृति ईरानी भी सांसद हैं। अगर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए संसद में कुछ कहा तो बड़प्पन दिखाते हुए सोनिया गांधी को भी उसकी कोई प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए थी। ये कहना डोंट टॉक टू मी, मुझे नहीं लगता है कि संसद में किसी विषय को लेकर के अगर लोकसभा या राज्यसभा में डिबेट के दरमियान सांसद आपस में भिड़ते भी हैं तो सदन के बाहर निकलने के बाद भी वो नाराजगी टिकी रहती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप ये बताइए कि दूसरे ने गलती की है, आप वो गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आपकी पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास है। पार्टी जी दूसरे ने गलती जानबूझ के की है और ये गलती बार बार वो करते हैं क्योंकि उनको पनाह देते हैं आप ही का सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, इसीलिए स्मृति ईरानी जी सबको छोड़ करके त्रिपाठी जी जो सोनिया गांधी अभी त्रिपाठी जी सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा है या नहीं है? त्रिपाठी जी सवाल सुन लीजिए ना, त्रिपाठी जी अपनी ही कहते रहेंगे, मेरी भी सुन लीजिए, सोनिया गांधी अभी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा है या नहीं है, सर्वे सर्वा है या नहीं है? बिल्कुल सर्वे सर्वा है। तो फिर अगर उनके एक ऐसे नेता जिन्हें लीडर बनाया हुआ है लोकसभा में, उनकी अक्सर जबान फिसल जाती है और पार्टी के लिए इतना बड़ा डैमेज कर जाते हैं पब्लिक फ्रंट में, तो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो बनेगी। हाँ निश्चित तौर पर, इसमें पार्टी अपना तो सर कितनी बार अधीर रंजन चौधरी की गलतियों को माफ किया जाएगा? नहीं तय करेगी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, नहीं तय करेंगे। अरे तो त्रिपाठी साहब ये बताइए ना, ये पहली मर्तबा थोड़े हैं जब अधीर रंजन चौधरी की जबान नहीं बोला गया, देश का सर्वोच्च परिषद को बोला गया है? नहीं तो ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है अरविंद जी। सर ये आंतरिक थोड़े रह जाता है, आंतरिक थोड़े रह जाता है, देश की राष्ट्रपति को लेकर के इस तरह की अपमर्यादित टिप्पणी की गई है? नहीं तो वो तो उस माननीय सदस्य ने भी बोला कि हमसे गलती। सोनिया गांधी यही कह देती सर कि मुझे खेद है,
मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, बड़प्पन दिखता उनका, और राष्ट्रपति के पद के लिए उनकी तरफ से जो सम्मान होना चाहिए वो दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी उससे प्रधानमंत्री को बड़प्पन दिख रहा है सर, मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना कि सोनिया गांधी को राष्ट्रपति के पद के लिए कोई सम्मान भी है, जब वो ये कह करके मुकर जाती है डोंट टॉक टू मी, इसका मतलब है कि उन्हें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी बोल रही हैं, उन्हें चिल्लाने दिया जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके नेता चाहे कोई भी गलतियां करती रहे सारे खून माफ। स्मृति ईरानी पहले अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जिन्हें वो अपनी, मैं चाहती थी सर आप इसी पॉइंट पर आ जाए, मुझे मालूम था कांग्रेस पार्टी यही कहेगी, उसके लिए भी तमाम आरोप आ चुके हैं। अरविंद जी आरोप लगाना आपके काम है, आरोप को प्रूफ करना भी आपका काम है, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं। चलिए आप तो आप उसी विषय को लेकर के आएंगे जो आपको सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने वाली संसद में स्मृति ईरानी है, और बीते दिनों हमने देखा है किस तरीके से तकरार स्मृति ईरानी वर्सेस कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रहा है, खास करके गोवा के एक रेस्तरा को लेकर के, उस पर मैं वापस आऊंगी। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी साहब, आप जिस तरीके से लगातार इस विषय को देख रहे हैं, आज संसद में खूब गर्जी बीजेपी की तमाम महिला नेता, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर के जिस तरीके का सम्मान होना चाहिए वो तो दिखा नहीं, बल्कि अमर्यादित तरीके से हमें फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट बॉदर, कुछ इस तरह का रिएक्शन जब देखने को मिलता है तो वाकई अफसोस होता है और सोचना पड़ता है कि हम लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा क्या, राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो उसका अपमान करे। राष्ट्रपति वो भी महिला राष्ट्रपति, दूसरा एक आदिवासी समुदाय से, तो अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, लोगों को जो एक मानसिकता बन गई है उस मानसिकता को बदलना होगा। लेकिन बहस ये भी होनी चाहिए, क्या हम इन्हें जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्या जो हम नेता मानते हैं वो इस काबिल हैं भी या नहीं। एक चपरासी के लिए आठवीं पास होना जरूरी है, बिल्कुल, और उसको कुछ ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में फर्क नहीं पता वो इस देश का जनप्रतिनिधि है। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत राजनीति में है, राजनीति के लिए भी जरूरी है कि समझदार पढ़े लिखे लोग आए और वो आकर एक जो एक जनप्रतिनिधि का एक दायित्व है उसको संभाले। लेकिन कौन करेगा, कौन करेगा? यहाँ तो देखिए फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं लोग, अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता थे, वो कानून मंत्री थे और उनकी डिग्री फर्जी थी, लेकिन चल रहा है, कानून मंत्री थे वो, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है रिफॉर्म करने की राजनीति में, जिससे पढ़े लिखे अच्छे लोग आए जिनको भाषा की मर्यादा पता हो, शब्दों का चयन। मैं यहाँ इस बारीकी में नहीं जा रही कि अधीरंजन चौधरी ने इंटेंशनली राष्ट्रपति का अपमान किया या फिर वाकई क्योंकि उनकी हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है उनकी तरफ से ये गलती हो गई, ये त्रुटि हो गई, लेकिन जिस वक्त उन्हें ये पता चला, सर एक मिनट, सर मान लेते हैं ना क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं, मान लेते हैं इस चीज के लिए हम लोग बड़ा दिल दिखाते हुए मान लेते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि त्रुटि उनकी तरफ से हुई है, बावजूद इसके माफी न मांगना और ये कहना कि मैं संसद में क्यों माफी मांगू, मैं जाकर के राष्ट्रपति मुर्मू से जाकर माफी मांगूंगा, उनके पास जाकर उन्हें एम्बेरेस करेंगे। देखिए मना तो नहीं किया उन्होंने माफी मांगने के लिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं, नजरिया अपना अपना हो सकता है, लेकिन अधीरंजन ने मना नहीं किया माफी से, वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ माफी न मांग के वहाँ महामहिम से जाके, और उन्होंने और भी बोला पाखंडी से, पाखंडी कौन है, पाखंडी कौन है? देखिए मैंने पहले कह चुका हूँ कि भी रिफॉर्म की जरूरत राजनीति में है, जिससे पढ़े लिखो लोग और समझदार लोग आए, आपके पास ऑप्शंस है ना, उसको भी प्रतिबंधित शब्दों की सूची में शामिल करा दीजिए, अगले सत्र में उसे रोक दिया जाएगा, लिस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, और रहा कांग्रेस की, तो क्योंकि कांग्रेस को भी आगे आकर जो एक संवैधानिक पद है, जो उसकी गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए कहना चाहिए था कि भाई अगर ये माफी मांगे या न माने, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, ये न्याय एक मैसेज जाता ना पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बीच में मैसेज जाता कि हां वाकई में जो राष्ट्रपति का पद है, जो महामहिम है, उनका सम्मान, और देखिए राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता, बिल्कुल वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, एक संवैधानिक पद है, तो वहां एक बड़प्पन दिखाते हुए, लेकिन भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से तार तार, भोगेंद्र जी का भी मैं रुक कर रही हूं, बिल्कुल आप इत्तेफाक रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोगेंद्र जी यहां पर अगर बात की जाए सोनिया गांधी से, जब निर्मला सीतारमण उस प्रकरण का व्याख्यान कर रही थी, बता रही थी कि क्या हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में, तो जब ये स्टेटमेंट आया डोंट टॉक टू मी, ये किस तरीके का एक वार्तालाप का तरीका हुआ, खास करके दो सांसदों के बीच में, क्या इस तरह का पहले भी कभी ट्रेंड देखा गया है क्या?
देखिए, संसद हम किसे कहते हैं? संसद के तीन अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब एक संसद सदस्य राष्ट्रपति शब्द के बदले राष्ट्रपत्नी का प्रयोग करता है, ये कहता है कि जिह्वा फिसल गई, लेकिन वो माफी संसद भवन में, संसद में नहीं मांगना चाहता। अरे राष्ट्रपति तो संसद मतलब ही होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधान है संसद की, तो उसको संसद भवन में ही सांसदों के सामने माफी मांगनी चाहिए। और अगर कोई भी सदस्य, चाहे सोनिया गांधी हो या कोई हो, इस तरह से अगर मना करती हैं, तो ये मना करना गलत है। इसलिए वो उनको माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि वो कह नहीं रही हैं कि आप संसद भवन में सांसदों के सामने आप संसद में माफी मांगें, तो ये गलत है। इसलिए अगर आरोप कोई सत्ताधारी दल अगर ये कह रहा है कि अगर किसी महिला का, किसी पद का, सब सर्वोच्च पद का शब्द के सहारे अपमान किया जाता है, तो वो ठीक नहीं है। दो चीजें, देखिए ऋचा ने भी कहा कि वो पर्सनल, मान लीजिए गलती अधीर रंजन ने की है, वो कोई पाप करते हैं तो उसका सजा किसको मिलेगी? पाप का साथ आप नहीं दे सकते ना। देखिए सजा नहीं, ये कैसे हो सकता है कि गलती करेंगे और हम अपने 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 मुताबिक अब राष्ट्रपति के पास जाकर माफी मांगेगी, ये कैसे हो सकता है? कोई सपोर्ट संसद नहीं किया, नहीं, सोनिया गांधी ने क्या कहा? डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, ये सपोर्ट करना है। पर्सनली हमने ये नहीं देखा, ये सपोर्ट करना संसद में जूते चप्पल कुर्सी तक फिटने हैं, क्या क्या नहीं होता है, देखिए वो तो अलग बात, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर अगर आप डिफेंड करते हैं तो आप भी दोषी हैं। देखिए आप और टारगेट करें, द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी दोषी माने गए, वो चुप क्यों थे? आप दोषी को का साथ नहीं दे सकते, उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। सोनिया गांधी का ये कहना डोंट टॉक टू मी, ये क्या है? ये डिफेंड करना है किसका? अधीर रंजन जी का डिफेंड करना है, ये गलत है। कहना चाहिए कि भाई गलती हो गई, ठीक है, जीवा फिसल गई, सांसदों के सामने कह दे सॉरी, हो गया। दर्शक भी इस चीज को समझते हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों में, नहीं नहीं कार्रवाई है, चाहे वो देखिए विवाद आए, हमारे यहाँ कहा गया विवाद आए विवादम ना करो, का मामला है। नहीं नहीं नहीं, तो वो सब पर्सनल कोई मामला नहीं है, मामला ये है या संसद में, मामला ये है कि विवाद आए, नहीं उपाध्याय जी, मामला ये है कि विवाद आए विवादम ना करो, विवाद के लिए विवाद ना करें, उसका समाधान निकाले। जबरदस्ती का विवाद हो गया ना, किस तरीके से देखती है गौरव साहब? यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता द्वारा भूल हो जाती है, बीजेपी की तमाम नेत्री संसद में आज गरजती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जब सदन स्थगित हो जाता है उसके बाद ये कहना डोंट टॉक टू मी, ये एक अभद्र तरीके का रिएक्शन मैं समझूंगी, और इसे कम से कम कर्टसी गेस्चर तो नहीं मान सकती। देखिए देश के सर्वप्रिय सबसे बड़े पद पे बैठी महिला, एक पहले तो राष्ट्रपति, ऊपर से महिला, उन पे ये टिप्पणी करना बिल्कुल ही गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं जी। और दूसरी बात, अगर जो सोनिया गांधी जी ने बोला है उसका मेरे से बेहतर कांग्रेस के प्रवक्ता बता पाएंगे क्या बोला क्या नहीं, जो भी बोला फिलहाल वो गलत है, ऐसा नहीं होना। देखिए संसद में सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र की बात लेके आते हैं, वहाँ पे देश का जो भी भविष्य वो डिसाइड होता है, लोगों का भविष्य वहाँ पे डिसाइड हो, वो बातें होनी चाहिए। ये छोटी मोटी बातों से लेकर टाइम खराब करने की बात, उसके बाद सॉरी बोल देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए थी उसी समय, वही मैं कह रहा हूँ, उसी समय माफी मांगनी चाहिए थी, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं बोला हूँ, उनका उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उनको उसी समय माफी मांग के, मैं कह रहा हूँ इसी संसद का पटल पे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के तरफ मौत की सौदागर, मैं कह रहा हूँ जो भी गलत बोला उसी समय माफी मांग के मूव ऑन करते हैं, ताकि देश की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, जैसे मुद्दों की बात होनी चाहिए। बहुत ही नीच शब्द यूज किया है, आपको याद है कि मणिपुर कांग्रेस का, मणिपुर त्रिपाठी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा मैं त्रिपाठी साहब की बात सुन लेती हूं, के बारे में नीच शब्द यूज, त्रिपाठी साहब की बात को जरा कांग्रेस का कल्चर है, यू के नहीं आज के कदर कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है। त्रिपाठी जी का रिएक्शन सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो गलती अधीर रंजन चौधरी से हुई है उस पर स्मृति ईरानी जी ये कहेंगी कि माफी सोनिया गांधी मांगे, गलती तो दुर्योधन ने की, लेकिन दोषी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी माने गए। सोनिया गांधी किस बात पे माफी मांगेंगे? आप डिफेंड नहीं कर सकती, गलत बात करेंगे तो सोनिया गांधी भी लेकर आपके अध्यक्ष है, सोनिया गांधी कोई मामूली एमपी नहीं है सर, तो फिर एक्शन तो पार्टी लाइन नहीं थी, पार्टी लाइन नहीं थी, पार्टी का कोई इस तरह का, त्रिपाठी साहब मैं यही तो बोल रही हूँ कि सोनिया गांधी की पार्टी लाइन से अलग है। त्रिपाठी जी सवाल सुन लीजिए, सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्षा हैं इस समय, उनके पास ये राइट है कि संसद में हम किसे अपना नेता बना करके भेजते हैं,
लोकसभा के अभी भी नेता आपके अधीरंजन चौधरी हैं। अब ऐसे में सोनिया गांधी उनके खिलाफ कुछ एक्शन तो ले सकती हैं। जो व्यक्ति संसद में पार्टी की लाइन तक को ढंग से डिफाइन नहीं कर सकता, जिसका भाषा का ज्ञान ही मैं मान लेती हूँ, ठीक है, ये आपको पूरे 100 में से 100 पॉइंट्स दे रही हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट की, ठीक है, भाषा का अल्प ज्ञान था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जिस व्यक्ति का भाषा का ज्ञान ही इतना खराब है तो वो संसद में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता होगा? एक्शन लेना चाहिए था ना, किसी भी तरीके का एक्शन होता तो दिखाई देता कि सोनिया गांधी कितनी संजीदा है इस मुद्दे को लेकर। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी तय करेगी, इसे कोई दूसरा अंदरूनी नहीं है, ये संसद का मामला है। आपके पार्टी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो भाषा प्रयोग किया उसका क्या होगा? अभी तक कोई एक्शन लिया आपने? आपने गब्बर सिंह टैक्स बोला, नीच बोला और क्या क्या नहीं बोला, मौत के सौदागर बोला। देखिए प्रीति, क्या है कि द्रौपदी शब्द का भी अपमान लोगों ने किया, मजाक उड़ाया। हमारे यहाँ है अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या अस्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। महिला किसी भी जाति धर्म की हो, महिला पूजनीय होती है भारतीय संस्कृति में। किसी भी तरह से दुश्मन की पत्नी को भी, दुश्मन नारियों को भी हम अपमानित नहीं कर सकते। ध्यान आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाठक जी, बहुत सही बात आपने की और मुझे बिल्कुल ध्यान आ रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कल ही कांग्रेस के मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि युद्ध में तो महिलाओं को और बीमार लोगों को अलग कर दिया जाता है, तो यहाँ तो बात देश की राष्ट्रपति की हो रही थी और देश की राष्ट्रपति के प्रति अगर सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते और उसके बाद भी इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद भी आपको खेद नहीं है, नहीं, ये राष्ट्रपति तो मुझे लगता है कि ये संसद का भी अपमान है। आपको सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। देश के आदिवासी संप्रदाय का अपमान है और नारी का अपमान है। अधिरंजन चौधरी साहब को खेद है और उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर माफी मांगूंगा। आधा अधूरा खेत से कुछ नहीं होता त्रिपाठी जी। सर कहने के लिए अब देखिए उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, करना ये वाकई दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि अधिरंजन चौधरी साहब के क्योंकि पिछले के किए गए गुनाहों को जो उनकी जबान अक्सर फिसल जाती है, कांग्रेस पार्टी हर मर्तबा ओवरलुक करती चली गई। नतीजा ये कि आज बात देश की राष्ट्रपति तक पर आ गई, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के आलाकमान को शायद फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके नेता पब्लिक फोरम में जाकर के किस तरह की टिप्पणियां कर जाते हैं जिसका डेंट और डैमेज पार्टी को होता है। बड़ी बहस कार्यक्रम में आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस संजीदा विषय को लेकर के जुड़े, भास्कर घोष साहब, के बी त्रिपाठी साहब, गौरव चाचरा साहब, आर बी उपाध्याय साहब और भूगेंद्र पाठक जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।